अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई ताकतवर हस्ती नहीं है, कोई लायक इबादत नहीं है। हम उसकी इबादत क्यों करते हैं? इसलिए कि वो इलाह है, ताकतवर है। और अल हय्यु अल कय्यूम, वो जिंदा है, जिंदा है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। कुल्लु शयइन हालिकुन इला वजह, और कुल्लु मनाइल अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल कय्यूम, कय्यूम कायम से मुबालगा है, यानी कि वो अपने बलबूते पर कायम है और सारी दुनिया को थामे हुए है। ला ताकुज़ुहु सिनतु वला नौम, देखिए हम भी जिंदा है लेकिन हम ऊँगते भी हैं, सोते हैं। अल्लाह की हयात ऐसी है, न ऊँग उसको गिरफ्त में लेती है न नींद। लहू माफी समावाती व माफिल अर्द, आसमानों में जो कुछ है, जमीन में जो कुछ है, वो उसी का है, उसका मालिक है वो। मन ज़ल्लज़ी यशऊ इंदहु इल्ला बिस्मिह, किसकी मजाल है जो उसके आगे बोल सके, सिफारिश कर सके, किसकी मजाल है? ये तहकीर का मजमून है, किसमें दम है, किसमें दम है आ जाए उसके सामने। मन ज़ल्लज़ी यशऊ इंदहु इल्ला बिस्मिह, उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर कोई मुंह खोल नहीं सकेगा। और यालमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, अब ये देखिए शफाअत का इल्म से क्या ताल्लुक है, जरा इसको एक छोटा सा नुक्ता नोट कर लीजिए। कयामत के दिन कोई सिफारिश करने वाला अल्लाह के इल्म में इजाफा नहीं कर सकेगा। ये नहीं कह सकेगा अल्लाह तुझे नहीं मालूम, ये मैं जानता हूं इस आदमी को, बड़ा अच्छा आदमी है, इसको जन्नत में डाल दे। अल्लाह को पहले से पता है कि बंदा क्या है, कितने पानी में, सिफारिश करने वाला क्या सिफारिश करेगा? यालमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, तो उनके पीछे और सामने जो कुछ है वो सब जानता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शा, उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता, इल्ला ये कि वो किसी को खुद कोई इल्म दे दे, थोड़ा सा इल्म फरिश्तों को दे दे, थोड़ा सा इल्म इंसानों को दे दे, थोड़ा सा अंबिया को दे दे। वसीअ कुर्सीयुहु समावाती वल अर्द, कुर्सी अल्लाह की एक कुर्सी है, तो कुर्सी याद रख लीजिए, कुर्सी से लफ्जी मुराद लीजिए आप, और इसका मजाजी मतलब न लीजिए कि कुर्सी का मतलब हुकूमत है, इख्तदार है, फुलां है फुलां है। तो लेकिन हम ये कहेंगे ये कुर्सी हमारी तरह की कुर्सी नहीं है, उसी तरह की कुर्सी है जो अल्लाह की शान के लायक है, उसकी कुर्सी है, उसकी एक कुर्सी है, बस बस इतनी बात समझ लीजिए। कैसी कुर्सी है? आसमानों और जमीन पर फैली हुई इतनी वसत है उसकी। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और जमीन आसमान दोनों की हिफाजत से वो थकता नहीं। वहुवल अली अल अज़ीम, वहुवल अलीउल अज़ीम, अली अली आली, और इसी से एक और लफ्ज है मुताल और ताला, ताला जद्दु रब्बिना, इन सबसे बुलंद है, बाकी सारी इस दुनिया उसके नीचे है, पस्त है, अल अली है और असमत वाला है।